Hello students, today we will do popcorn pop-up series term 2. आज हम आपकी जो pop-up की term 2 की book है उसमें से करेंगे, उसमें हम English का chapter करेंगे. उस English में हम skills on 3 CVC word with short vowel sound, इसमें हम जो फर्स्ट है सीवीसी वर्ड विथ द शॉर्ट वोवेल ए वो सीखेंगे. ओके, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज अ सीवीसी. सीवीसी मींस सी फॉर कॉन्सनेंट, वी फॉर वोवेल एंड सी फॉर कॉन्सनेंट. फर्स्ट हम देखते हैं वोवेल्स. वोवेल्स मींस हमने दिवाली पहले सीखा था कि वोवेल्स हमारे कितने हैं. 5 वोवेल्स हैं, राइट? कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू. 5 वोवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से है? जो ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अलावा जो रेस्ट अल्फाबेट है वो हमारे कॉन्सोनेंट है, राइट? तो आज हम 3 लेटर वर्ड्स सीवीसी के सीखेंगे, जिसमें हम कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को मिक्स करके 3 लेटर वर्ड बनाते हैं, उसको हम सीवीसी वर्ड बोलते हैं. कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट दिया है, सी क्या है? कॉन्सोनेंट. ए वोवेल एंड टी कॉन्सोनेंट, राइट? तो सी ए टी 3 लेटर है सीवीसी वर्ड. तो सी ए टी मीन्स कैट. सी ए टी मीन्स कैट. सी ए टी कैट. देन नेक्स्ट हैन. एच ई एन. एच कॉन्सोनेंट, ई वोवेल एंड एन कॉन्सोनेंट. सो एच ई एन मीन्स हैन. एच ई एन means hen. Then b consonant, I vowel, b consonant. So b I b means bib. B I b means bib. Then p consonant, o vowel, t consonant. So p o t pot. P o t pot. P o t pot. Then c consonant, u vowel and t consonant. So c u t means cut. C u t means cut. Let's we revise it again. C A T cat. C A T cat. H E N hen. H E N hen. B I B bib. B I B bib. P O T pot. P O T pot. C U T cut. C U T cut. C U T cut. Now next page. Page number 7. We will discuss the different families of short vowel A साउंड. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वोवेल है हमारा ए, उससे जो लेटर बनते हैं उसके बारे में सीखेंगे. ओके, तो फर्स्ट है पेन. पी ए एन पेन. पी ए एन पेन. पी ए एन पेन. देन बी ए टी bat. B A T bat. B A T bat. R
A T rat, R A T rat. J A M jam, J A M jam. R A M ram, R A M ram. S A D sad, S A D sad. D A D dad, D A D dad. D A D dad. B A G bag, B A G bag. B A G bag. T A G tag, T A G tag. T A G tag. F A N fan, F A N fan. यहाँ पे एक और भी चीज़ है जो हमें सीखनी है कि जो सर्कल में जो सेम सेम कलर के जो वर्ड दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लू और ब्लू कलर के कौन कितने हैं स्पेलिंग, टू स्पेलिंग है, फैन एंड पेन. देन ये बैट एंड रेड पिंक कलर में, जैम एंड राम. देन पर्पल में सैड एंड डैड, एंड देन ग्रीन में बैग एंड टैग. तो ये जो सेम कलर के जो दो स्पेलिंग है उसके जो साउंड है वो कैसे है, सिमिलर है, जैसे कि फैन पैन, बैट रैट, जाम राम, सैड डैड एंड बैग टैग. तो ये जो जिसके साउंड सिमिलर जैसे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड. इन साउंड व्हील वर्ड दैट फॉल इन द सिमिलर कलर belong to the same family. These words are also called rhyming word. क्या बोलते हैं उसको, rhyming word. जो spelling, जो दो spelling के sound same तरीके के होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, rhyming word. क्या बोलते हैं, rhyming word. और उसके जो last के जो spelling है वो भी क्या होते हैं, same जैसे होते हैं, जैसे कि F A N fan. तो ए एन, देन पी ए एन पेन, तो उसके भी सेम आया ए एन एन ए एन. देन बी ए टी बैट, आर ए टी, तो लास्ट के टू जो स्पेलिंग वो कैसे हुए, सेम राइट. देन जे ए एम जाम एंड आर ए एम राम, तो ये दोनों भी सिमिलर है राइट. तो ए एम एंड ए एम कैसे है, सिमिलर है, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड है. जाम एंड राम क्या है, दोनों राइमिंग वर्ड. देन डैड एंड सैड, उसमें एडी एडी सिमिलर राइट. देन टैग एंड बैग, एजी एजी सिमिलर. तो जो वर्ड्स के साउंड सिमिलर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 8. फर्स्ट वी विल रीड इंस्ट्रक्शन. क्रिएट वर्ड्स एंडिंग विथ 80. हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमें कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं उसको यूज करके हमें वर्ड बनाना है, और वो थ्री लेटर वर्ड बनाने. लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि उसका जो एंडिंग है वो किससे होना चाहिए, 80. मीन्स कि हम जो भी स्पेलिंग बनाए उसके एंड में 80 आना चाहिए. ओके तो हमें यहाँ पे जो अल्फाबेट्स दिए उसको यूज करके हम स्पेलिंग बनाएंगे. ओके तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एच ए टी. फर्स्ट क्या हम लिखेंगे, एच, देन ए एंड देन टी. तो क्या हुआ, एच ए टी, एंडिंग में क्या आया, 80. हमें बोला था कि एंडिंग में क्या आना चाहिए, 80. तो 80 आ गया, और हमने ये जो फर्स्ट वाला वर्ड था अल्फाबेट उसको भी यूज कर लिया. तो कौन सा स्पेलिंग हुआ, एच ए टी हैट, एच ए टी हैट, एच
A T hat. Now next, H के बाद क्या है? C. तो first we will write C, then last में हमें क्या लेना है? A T. तो A N T, C A T cat, C A T cat, C A T cat. Now next, first क्या लिखे हैं हम? R. R, then end में क्या लेना है? A T. तो R A T rat, R A T rat, R A T rat. Now next, R के बाद कौन सा letter दिया है? S. तो first we will write S, then end में AT. तो S A T sat, S A T sat, S A T sat. Then next, कौन सा letter है? B. तो first we will write B and then AT. Then कौन सा spelling हुआ? B A T bat, B A T bat, B A T bat. Then B के after F. So first we will write F, then ending A T, right? So F A T fat, F A T fat. Let's we will revise again. H A T hat, H A T hat. Then C A T cat, C A T cat. R A T rat, R A T rat, R A T rat. Then S A T sat, S A T sat, S A T sat. Then B A T bat, B A T bat, B A T bat. Then F A T fat, F A T fat, F A T fat. Now next, let's label each picture. हमें क्या करना है? ये जो picture है उसके जो spelling है उसको complete करना है. तो हम यहाँ से start करें. What is this? This is a rat. And what is the spelling of rat? R A T, rat, right? R A T, rat. तो already हमें R तो दिया ही है, तो हम ending में हमें क्या लगाना है? A T. हमें यहाँ पे ऊपर भी बोला ये कि जो word है उसका ending कहाँ से होना चाहिए? A T. तो ये जो exercise है उससे similar ही है, exercise है. Then next क्या है ये? Bat. First letter उसका B, then ending में A T. तो B A T bat, B A T bat. Then next क्या है ये? Mat. First letter M, then ending with A T. तो what क्या बना spelling? M A T mat, M A T mat, M A T mat. Then what is this? This is a hat. And first letter उसका H और last में क्या आएगा? A T. तो H A T hat, H A T hat, H A T hat. Let's we will revise it again. Rat, R A T rat, R A T rat. Then bat, B A T bat, B A T bat.
Then mat, M-A-T, mat, M-A-T, mat. Then hat, H-A-T, hat, H-A-T, hat.